हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनों के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायमेंशनल अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। लेट अस कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब बाय ए वेव वेक्टर के। फ्रॉम द वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स द पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से दी जाती है अगर हम वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ पार्टिकल को कंसीडर करें। सो वी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय टी के। हियर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स एंड एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज ई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। सो वी इज इक्वल टू एच इनवर्स डी ई ओवर डी के। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। दिस इन इटसेल्फ shows the importance of E versus K curve. In the case of free electron or free particles where V is equal to zero, V here V is potential and E is equal to H cross square K square by 2m. Then from equation number 2, velocity of electron is V is equal to H inverse or H cross square over 2m 2k. एंड बाई सॉल्विंग वी गेट वी इज इक्वल टू पी बाई एम। अर्थात यहाँ तक हमने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें पोटेंशियल जीरो है उनके लिए वेलोसिटी ज्ञात की और वो वेलोसिटी पी वी इज इक्वल टू पी और एम के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन अब अगर बैंड थ्योरी को कंसिडर करें तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी और उनका मास क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें डिस्कस करना है। नाउ इन द बैंड थ्योरी E is not proportional to k square, as may be seen from figure. फिगर हम आप ये दिखा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्सेस जो k curve है वो डिफरेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। Employing this variation of E with k and using equation number 2, equation number 2 किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की velocity के लिए। We can calculate the velocity of electron. This follows a curve depicted in figure. तो अब हम यहाँ इस figure को consider कर लेते हैं और ये जो figure है वो हमने E versus K, V versus K, M star versus K और F K versus K curve plot किया गया है। यानी ये जो figure है वो energy, velocity, effective mass and F K एज ए फंक्शन ऑफ के डिपेक्ट किए गए हैं। द डैश लाइन शोज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द ई के कर्व। अब हम इस जो फिगर है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोट दैट एट द बॉटम ऑफ द एनर्जी बैंड के इज इक्वल टू जीरो, सो डी ई ओवर डी के इज इक्वल टू जीरो, सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नाउ एज द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज, ई इंक्रीजेज और डी ई ओवर डी के इंक्रीजेज एंड सो वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसा कि अपने को सेकंड वाले कर्व से देख सकते हैं कि जैसे जैसे जीरो से के जीरो वाले रेंज में एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है के की वैल्यू भी बढ़ रही है, डी ई ओवर डी के बढ़ रहा है जिससे वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी इंक्रीजेज और विच रीचेज मैक्सिमम एट के इज इक्वल टू प्लस माइनस के जीरो, वेयर के जीरो करस्पॉन्ड टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द ई के कर्व। बियॉन्ड दिस पॉइंट as k increases de over dk decreases. Again I repeat it, as k increases from k zero de over dk decreases, v decreases and finally assume the zero value at k is equal to pi by a which is the top of the band. अर्थात इस बैंड के लिए जीरो से के जीरो तक तो वेलोसिटी का मान बढ़ता है और के जीरो से पाई बाई ए तक वेलोसिटी का मान घटता है, लेकिन एनर्जी की मान बढ़ रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बियॉन्ड द पॉइंट के जीरो द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ई, ए फीचर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो हमने एक फीचर डिस्कस किया है कि एनर्जी तो इस बैंड के अंदर बढ़ रही है लगातार, लेकिन के की वैल्यू जीरो से के जीरो तक तो वेलोसिटी बढ़ती है और के जीरो से पाई बाई ए तक वेलोसिटी
घटती है, ये एक एंटायरली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के वे वेक्टर एग्जिबिट ए सिमिलर बिहेवियर, यानी अभी हमने पॉजिटिव के की वैल्यू के लिए डिस्कस किया था, इसी तरह से अगर के की वैल्यू 0 से माइनस पाई बाई ए तब भी यही बिहेवियर को शो करता है। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेट अस नाउ कंसिडर व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। वी अज्यूम दैट दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉन इन द बुलियन जोन अंडर कंसिडरेशन, सो टू अवॉइड कंट्राडिक्शन फ्रॉम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सपोज द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन ए स्टेट के। व्हेन द फील्ड एक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन फॉर ए स्मॉल टाइम डीटी, इट हैज गेन्ड एन एनर्जी और इट हैज गेन्ड ए वेलोसिटी वी ओवर ए डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम डीटी। नाउ डी गेन्ड एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस वाले फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू माइनस ई ई डी एक्स, और डी एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वी, और वी की वैल्यू जो है अपन अभी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ई जो डी एक्स बाई डी टी वन अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस ई ई इज इक्वल टू एच क्रॉस डी के और डी टी। टू ऑप्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एच क्रॉस डी ई बाई डी के, सो एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। अब इसको और सॉल्व करने पर ए इज इक्वल टू माइनस ई ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस रिजल्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, ए इज इक्वल टू माइनस ई ई ओवर एम, फ्रॉम दिस दीज एक्सप्रेशन इट फॉलोज दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज इफ इट हैज़ एन इफेक्टिव मास इक्वल टू एम स्टार इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर ओवर डी टू ई ओवर डी के स्क्वायर। Thus, the effective mass is determined by d square e over dk square. This result indicates once more the importance of the Ek curve for the motion of electrons. Now, in figure, effective mass is depicted as a function of k. This curve shows that m star is positive in the lower half of the energy band and negative in the upper half of the band. इस डायग्राम को अगर हम देखें जो एम स्टार वर्सेस के कर्व शो किया गया है, तो 0 से के 0 तक जो एम स्टार है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जब के इज इक्वल टू 0 है तब इसकी वैल्यू जो है वो एम के बराबर है और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और के 0 पर ही इनफाइनेट हो जाता है, और के 0 से पाई बाई ए तक इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है और नेगेटिव वैल्यूज में आ जाती है। दिस कर्व शोज दैट द एम स्टार इज पॉजिटिव इन द अपर हाफ ऑफ द एनर्जी बैंड एंड नेगेटिव इन द लोअर हाफ। अगेन आई करेक्ट इट, एम स्टार इज पॉजिटिव इन द लोअर हाफ ऑफ द एनर्जी बैंड एंड नेगेटिव इन द अपर हाफ। एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट के जीरो एम स्टार बिकम्स इन्फाइनेट। फिजिकली स्पीकिंग this means that in the upper half of the band the electron behaves as a positively charged particle. So for an electron moving in a periodic potential E does not vary with k in the above manner, and so m star is equal to m. Neither m star will be same for all energy values, it will vary because of the complex form of the Ek curve. For most metals it ranges from 1 by 2 to twice the free electron mass. For several transition metals it is usually very much larger and for semiconductor lower. So the effective mass need not always be greater than m. It can also be smaller than m. It can be negative even. Now
सॉरी नियर के इज इक्वल टू जीरो द इफेक्टिव मास अप्रोचेज एम. और सपोज एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एट के इज इक्वल टू जीरो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द वेव वेक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम अंटिल द वेलोसिटी रीचेज इज मैक्सिमम वैल्यू द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द फील्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम हाउएवर द सेम फील्ड प्रोड्यूस ए डिक्रीज इन वेलोसिटी इट मीन्स द मास मस्ट बिकेम नेगेटिव इन द अपर पार्ट ऑफ द बैंड. Now, it is convenient to introduce a factor Fk. Fk is equal to m upon m star is equal to m upon h cross e square d2 e over dk square, where Fk is a measure for the extent to which an electron in state k is free. If m star is large, Fk is small. It means particle is not free or behave as a heavy particle. When Fk is equal to 1, then m is equal to m star, the electron behaves as a free particle. Fk is positive in the lower half of the band and negative in the upper half of the band. It may be mentioned here that the above treatment is extended in 3 dimension and the effective mass may be represented at 1 upon m star is equal to 1 upon h cross square gradient k gradient of Ek. Where ये ग्रेडियंट के ई के इज ए टेंसर विद 9 कॉम्पोनेंट्स ऑफ द जनरल फॉर्म डी टू ई ओवर डेल्टा के आई डेल्टा के जे विद आई एंड जे इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड. नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव इफेक्टिव मास एंड कंसेप्ट ऑफ होल्स. अभी तक हमने देखा कि जो बैंड है उसके लोअर पार्ट में यानी 0 से के 0 तक जो इफेक्टिव मास है वो पॉजिटिव है और के ज़ीरो से पाई बाई ए तक जो बैंड है या अपर बैंड है उसमें जो इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव है. तो नेगेटिव इफेक्टिव मास क्या होता है इसको हम होल कंसेप्ट से क्लियर कर सकते हैं. नेगेटिव इफेक्टिव मास अकर्स फॉर के ग्रेटर देन के ज़ीरो और ओनली नियर द टॉप ऑफ द एनर्जी बैंड. फॉर सिंपल मेटल्स द बैंड इज ओनली हाफ फुल सो एम स्टार इज नॉट ऑफ मच इंटरेस्ट. But for materials with nearly filled bands, there will be certain electrons populating the states at the top of the band and will thus have negative m star. अर्थात जो बैंड ऊपर तक पूरे भरे हुए हैं उसमें नेगेटिव इफेक्टिव मास होता है. Let us consider a band with all states filled except one at the top. हम एक जो बैंड ले रहे हैं उसमें एक स्टेट जो है वो खाली है बाकी सब भरी हुई है. द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ए शिफ्ट अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू दिस एम्प्टी स्टेट. अर्थात अगर एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो नीचे वाले स्तर से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले स्तर के इस खाली स्टेट को भर देगा. एंड टू प्रोड्यूस एन एम्प्टी स्टेट समवेयर इन द इंटीरियर ऑफ द बैंड. नीचे से एक इलेक्ट्रॉन जा करके उस खाली स्टेट को भर देगा तो वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हुआ है उस जगह इंटीरियर में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. द डेप्थ ऑफ दिस एम्प्टी स्टेट वुड हाउएवर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. और इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मूव्ड फ्रॉम समवेयर इन द फील्ड पोर्शन टू द टॉप एंड द एम्प्टी स्टेट हैज़ मूव्ड फ्रॉम टॉप टू द इंटीरियर although a group of electron has participated to cause the effect. Thus, the effect of the electric field can be described by the motion of empty state. We call this empty state as a hole. अर्थात अगर कोई बैंड है पूरा भरा हुआ है और सिर्फ टॉप में एक स्टेट खाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर नीचे वाली स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऊपर वाली स्टेट को भर देता है और नीचे जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. और ये प्रोसेस किसी एक स्टेप में नहीं होता बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और इस वैकेंसी को होल कहते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करैक्टरिस्टिक ऑफ द होल लेट अस टेक ए सिंगल होल एट द टॉप ऑफ द फील्ड बैंड. व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड then the current associated with all the electrons in the band I is equal to minus E sigma VI, I is not equal J.
यहाँ जेथ वो इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंसी को शो करता है। सो माइनस ई माइनस वीजे प्लस वीजे प्लस सिग्मा आई इज़ नॉट इक्वल जे वी आई, और इट कैन बी रिटर्न एज माइनस ई माइनस वीजे प्लस सिग्मा आई वी आई, द सिग्मा वी आई इज ज़ीरो। वाई? बिकॉज फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देर इज ऑलवेज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सो सिग्मा आई वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो इन बैंड थ्योरी, एंड देन एनर्जी देन करंट आई इज इक्वल टू ई वी जे। नोट दैट आई इज द करंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द बैंड एंड वी जे इज द वेलोसिटी ऑफ द होल स्टेट। द इक्वेशन आई इज इक्वल टू ई वी जे कंक्लूड्स दैट द करंट फ्रॉम द नियरली फील्ड बैंड इज इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द मोशन ऑफ अनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और होल विच बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अर्थात ये जो इक्वेशन है इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ जो धारा प्रवाह हो रहा है नियरली फील्ड बैंड में वो एक उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या होल से इक्विवेलेंट मान सकते हैं विच बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ड्यू टू फील्ड डी आई बाई डी टी एंड इट कैन बी सॉल्व इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ई ओवर एम जे स्टार। सिंस द होल टेंड टू द लाई इन द अपर पार्ट ऑफ द बैंड सो एम जे स्टार इज नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन वुड बी पॉजिटिव। डी आई बाई डी टी जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ले रहे हैं उसमें एम जो है स्टार जिस पे लगा है इफेक्टिव मास है जेथ पार्टिकल के लिए वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बैंड में है। सो ओवरऑल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू या हम कह सकते हैं कि डी वी आई ओवर डी टी जो एक्सेलेरेशन है वो ई ई ओवर एम जे स्टार के बराबर होगा। इट इज़ नाउ क्लियर दैट द साइन ऑफ द चार्ज मस्ट मैच विद द साइन ऑफ द मास। अगेन आई रिपीट इट, साइन ऑफ चार्ज मस्ट मैच विद द साइन ऑफ द मास, यानी हम अगर हम इससे वेलोसिटी वाला कंसेप्ट वापस लें और एक्सेलेरेशन निकालें डी वी आई ओवर डी टी लें तो ये होगा ई ई ओवर एम जे स्टार का मोड। तो जो चार्ज का साइन है और मास के साइन के सेम होना चाहिए। अब अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो ये जो ई इज़ पॉजिटिव जो एम जे स्टार भी पॉजिटिव, अर्थात जो नेगेटिव इफेक्टिव मास है उसको होल के लिए मान सकते हैं जिसमें उसका मास धनात्मक हो जाएगा और उसका चार्ज भी धनात्मक होगा।